मुखिया की गाड़ी पर बदमाशों ने किया बम से हमला, पंचायत चुनाव में नहीं थम रही हत्याएं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और न्यूज देखते रहिए। बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है, चुनावी रंजिश में आपराधिक घटनाएं भी सामने आ रही है। कई जगहों पर मुखिया, जिला पार्षद, BGC समेत अन्य प्रत्याशियों की हत्याएं हो चुकी है। ताज़ा मामला सारण जिले की बनियापुर में बदमाशों ने मुखिया के वाहन पर बम से हमला किया है। घटना बनियापुर थाना क्षेत्र के सतुआ बाजार के पास की है, जहां चुनाव प्रचार के दौरान देर रात में सतुआ पंचायत के निवर्तमान मुखिया व मुखिया प्रत्याशी पार्वती देवी के वाहन पर हमला किया गया है। जिस वक्त वाहन पर हमला किया गया उस वक्त उनके पति सुरेश प्रसाद और चालक मौजूद थे। हालांकि इस घटना में किसी की घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन वाहन पूरी तरह से जल चुकी है। घटना की सूचना मिलते ही रात्रि में ही सारण के SP संतोष कुमार और DSP मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। इस संबंध में मुखिया के पति सुरेश प्रसाद के द्वारा थाने में लिखित आवेदन देकर दो नामजद तथा दो अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया गया। हालांकि पुलिस के अनुसार यह मामला संदिग्ध प्रतीत। वो फोन किए थे कि मुखिया जी तरफ आओ तो कोई नहीं, तो गाड़ी घुमा के ड्राइवर और रोड पर लगा लगा हम चले गए लड़न भेज दें, लड़न भेज के चले गए। पहले वो मुसलमान के तीन चार लड़के, एक मैंने पूर्व मुखिया और उनके पुत्र, मैंने तबातोर मैंने गाड़ी में बम मार दिए और गाड़ी हमारे पूरा नष्ट हो गई। बार बार हम लोग बचे। उसको शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।